हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई एसएससी जेई 2019 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे थे एपी जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो एपी से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था और एपी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले कुछ अदर टाइप के क्वेश्चंस, जो नॉट एपी, एपी ना हो, ऐसे अदर टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे उनके क्वेश्चन को फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिग्मा, इस ऐसे जो इंडिकेट किया जाता है, सिग्मा सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इस टाइप का अगर दिया हुआ सिग्मा एन इक्वल टू वन, और ये वन से लेके फोर तक है, और एन स्क्वायर दिया है। एन स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का, फोर तक है, तो मतलब वन से लेके फोर तक, और एन स्क्वायर मतलब स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पे देखिए कि वन से लेके थ्री तक है और टू एन है। ठीक है, तो टू के साथ एक बार वन रखना है, फिर टू के साथ प्लस करके टू के साथ टू रखना है, फिर प्लस टू के साथ थ्री रखना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, टू इंटू वन प्लस टू इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री। अगर फोर होता तो यहाँ पे आगे प्लस करके टू इंटू फोर करते, फाइव रहता तो टू इंटू प्लस करके टू इंटू फाइव कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि के फॉर्म में दिया, के इक्वल टू वन, और वन से कहाँ तक है, फोर है, और इसका फॉर्म किस फॉर्म में है, फोर के प्लस वन। मतलब अब इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब पहले क्या, टू इंटू वन प्लस वन, फिर टू इंटू टू प्लस वन, टू इंटू थ्री, मतलब के जगह पे ही मुझे वन रखना है एक बार, फिर टू रखना है, थ्री रखना है, फोर रखना है, कहाँ तक है, फोर तक, तो ऐसे फोर रखना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम दो पार्ट में भी कर सकते हैं, पहले टू के का फिर बाद में वन का, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। अब देखिए आगे, जैसे मैंने कैटेगराइज कैसे कर, जैसे ऐसे दिया हो सिग्मा ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैटेगराइज हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू वन दिया है और कहाँ तक, थ्री तक दिया है, तो इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया, जैसे एन इक्वल टू वन, थ्री एन स्क्वायर, और एक एन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसका जब एन स्क्वायर है तो वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर हो गया, प्लस एन ये सिर्फ थ्री तक, वन टू थ्री, इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर दिए हों तो उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। जैसे यहाँ पे एन इक्वल टू वन से लेके एन तक है, एन है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, कहाँ तक, एन तक होगा। अगर इस टाइप का अगर दिया हो तो उसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं, एन, देखो लास्ट वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना ये लास्ट है, तो एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला हो जाता है अगर इस फॉर्म में दिया हो तो। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हो, अगर इसका अगर इस फॉर्म में दिया हो तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, ऐसे दिया हो तो इसके फॉर्मूले हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर ऐसा है तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे, ऑप्शन में दिया होगा, आप क्लिक कर सकते हैं। फिर एन स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, कहाँ तक, एन स्क्वायर के तक है, लास्ट है, देखिए लास्ट है, तो उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया हुआ है कि n अपॉन n जो है वो वन से लेके n तक है, लेकिन क्यूब में है, क्यूब में है, तो उसके लिए क्या होते हैं, सिंपल सा एक ही फंडा याद रखना, क्यूब में है तो ये जो पहला वाला था उसी का स्क्वायर कर दिया है, n n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। इस तरीके के अगर डिफरेंट डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम क्वेश्चन को भी करेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकता है उतने टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कि ताकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं आगे, हम कुछ कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि बेसिक जो हमारे कंडीशंस है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है, और जो मिलता है वो सम मिलता है, एक चीज याद रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन में इसी प्रकार से दिया हुआ है। जैसे ये देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, एस इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री, कहाँ तक, प्लस टू फिफ्टी तक, कहाँ तक है, प्लस 250 तक, मतलब एन क्या मिल गया आपको, एन क्या मिल गया, 250 मिल गया, एन मिल गया, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे है, तो उसका एस का फॉर्मूला क्या मैंने बताया अभी, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू क्या है, 250, एंड 250 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही है ना। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमको मल्टीप्लीकेशन फटाफट करने आना चाहिए, अगर मल्टीप्लीकेशन फटाफट हमें करने आ रहा है तो मैं फटाफट कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अगर फटाफट मुझे करने आ रहा है तो मैं फटाफट कर लूंगा, क्या आ गया, ये 250 आ गया, और ये 250 प्लस 1 कितना हो गया,
251 डिवाइड बाय 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, इसका डिवाइड करोगे तो 125 आ जाएगा, 125 इंटू 251। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, मल्टीप्लिकेशन जितना फास्ट कर सकते हैं कर लिए, कोई उतना इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा 251 डिवाइड बाई 125 कर लीजिए, 5 × 5 5 × 25 5 2 5 × 10 2 12 2 × 2 2 2 5 × 10 2 2 × 4 1 5, फिर 152 कर लो, ऐड कर लो, कितना आ जा रहा है, 5 7 3 3 आ गया, यहाँ पे 11 11 का 1 और यहाँ 3, ये आ गया आपका आंसर 31375। इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सेकंड भी सेम इसी प्रकार से, बट कैसे स्क्वायर फॉर्म में, अगर सिर्फ स्क्वायर अगर ऐसा है तो आपका एन क्या मिल गया, 20, और इस एस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन एन प्लस 1 फिर 2n+1 डिवाइड बाय 6 है, यही है, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या दिया 20 20+1 और 2 × 20+1 डिवाइड बाय 6 है, तो क्या वैल्यू आ जा रही है, वैल्यू क्या आ जा रहा है, सीधा सिंपल सा है कि 20 आ रहा है इंटू 21 आ रहा है इंटू 41 आ जा रहा है और डिवाइड बाय 6, कुछ कटने वाले हैं तो काट लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 3 जा 2 10 जा 3 1 जा 3 3 7 जा। अब 7 का इसमें कर दोगे बहुत इजीली सोच सकता है, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 और ये 10 है तो इसके आगे 0 लग गया, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम फटाफट करेंगे, जितना फटाफट कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अब ऐसे करके 20 तक स्क्वायर करके फिर ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है, अगर समेशन एन हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है, समेशन एन स्क्वायर हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, सम दिया है, 10 11 दिया है, लेकिन ये जब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, जब 1 से हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे भी 1 से था तो ये अप्लाई हुआ है, 1 से था तो अप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ तो 10 से है, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक निकाल लेंगे, उसमें से 1 से लेके 9 तक माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली हो गया, 1 से 9 तक जो सम आ रहा है वो 1 से लेके 100 तक जो सम आया था उसमें से 1 से लेके 9 तक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली। तो हमने क्या कर देना है, अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो क्या कर देना है, सबसे पहले क्या कर देना, अगर इसका सम एस मुझे चाहिए, इसका सम, तो पहले क्या कर दूंगा, S1 to 100 माइनस S1 to 9 कर दूंगा, समझ में आया। और 1 to 100 का क्या हो जाएगा, N n+1 डिवाइड बाई 2 और इसका वही चीज, इसके लिए n अलग होगा, इसके लिए n क्या हो रहा है 100 होगा और इसके लिए n 9 होगा, लास्ट वाला ये 100 है तो 100, 9 है तो 9, इसके लिए n, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा, सीधा 100 100+1 डिवाइड बाई 2 माइनस 9 9+1 डिवाइड बाई 2, वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, ये 100 × 101 डिवाइड बाई 2 है और माइनस ये 9 × 10 डिवाइड बाई 2 है, यही है ना। अब सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 100 × 100 ये 50 हो गया, 50 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दें, देखिए 5 × 5 5 0 0 5 × 5 और एक 0 था, माइनस ये देखिए 5 बार में 9 5 जा 45 माइनस कर दीजिए, देखिए 50 में 45 तो 5 हो जाएगा, 5 005 आ गया, आंसर हो गया, सीधा है, सिंपल सा है, बट थोड़ा सा लॉजिक याद रखेंगे तो आपका इजीली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लॉजिक याद रखेंगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फंडा याद रखोगे। अब देखिए इसमें भी सिंपल वही दिया है, वही लॉजिक अपनाना है, स्क्वायर में दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, जैसे मैंने बताया ही आपको कि अगर स्क्वायर में दिया हो, स्क्वायर फॉर्म में दिया हो तो क्या हो जाता है, n n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूला याद करते करते आपको याद हो जाएगा। अगर न्यूमेरल में दिया हुआ है तो n n+1 डिवाइड बाय 2 हो जाता है, अगर क्यूब में दिया हो, क्यूब में, तो इसी का स्क्वायर हो जाता है, n n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर फॉर्म में दिया, लेकिन 5 से, देखिए हमेशा हमने जो भी किया है 1 से अगर स्टार्ट होता है तभी, लेकिन यहाँ पे क्या 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे हम,
सिंपल सा वही, अगर एस फाइंड आउट करना है तो कहाँ से, 1 से लेके 15 तक निकालो पहले, एस का 1 से लेके 15 माइनस कर दो एस का 1 से लेके 4 तक। देखिए 5 से लेके तो है ही है, 4 तक, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 से लेके 15 तक है। और स्क्वायर अगर है तो मैंने बताया कि एन एन प्लस वन 2n+1/6 होता है, कि ये भी लास्ट क्या है 15, तो 15 फिर बाद में 15+1 और फिर 2 × 15+1/6 माइनस एस 1 से लेके 4 तक, तो वही 4 है, तो 4 4+1 फिर बाद में 2 × 4+1/6, यही करना है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे क्या आ रहा है 15 × 16 × 15 2 जा 30, 31/6, यहाँ माइनस करेंगे तो 4 × 5 × 2 4 जा 8 1 9/6, यही है। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ पे भी कुछ कट सकते हैं, देखिए 2 3 जा 8 जा हो जाएगा, फिर 3 5 जा जाएगा, क्या है बचा है इधर 5 8 31 है, 5 8 जा 40, 40 का इसमें कर देंगे तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ये आ गया, माइनस कर देंगे देखिए 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 1 2 10, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो करेंगे फटाफट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, छोड़ने से तो अच्छा है कि हम उसको कर लें, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं कुछ और टेक्निक आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाए। जैसे ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया रहता है, आपने एपी देखा है, तो जब एपी लिखते हैं तो क्या होता है T1 T2 T3 T4 T5 लिखा रहता है। अगर दो को ऐड करना हो, ये दोनों को एस टी को ऐड करना हो तो T1+T2 करते थे, S5 करना हो तो T1+T2+T3+T4+T5 करना होता है, ठीक है, यही करना होता है ना। एन को करना है तो सारे को ऐड करने होते हैं टी एन तक, तो ऐड टी एन तक करना है तो टी एन इधर लिख सकते हैं एन से लेके 1 से लेके एन तक, और इसके फॉर्मूला इस तरीके से, मतलब टी एन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और क्या दिया हुआ है इस फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही मतलब कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार हम देखेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, एक बार हम देखेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एस इक्वल टू 2² + 5² + 8² --29² तक दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और भी इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम करेंगे तो बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि देखो 2 5 8, मैं स्क्वायर को भी साइड में रहने देता हूँ, अगर टी एन के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो टी एन के फॉर्म में आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ये सब दिख रहे हैं, कहाँ तक दिख रहा है 29, इनमें डिफरेंस देख लो, चेक कर लो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस 3 का, मतलब 3 का कॉमन डिफरेंस आपको मिल जा रहा है, मतलब ये टी एन फॉर्म में मिल गया, ये ऐड है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना अभी लिखा हूँ, समझ में आ रहा है। तो अगर इसको अगर मुझे लिखना है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, लॉजिक हमारे पास है कि मैं इसको करूँगा, तो सबसे पहले मैं टी एन ही निकाल लिया, टीएन अगर निकालते हैं, अगर इस फॉर्म में होता है तो टीएन क्या होता है, a+(n-1)d होता है, यही होता है, और a इसका क्या है 2+(n-1), n क्या है इसका, n वो तो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे n-1 करेंगे और d की वैल्यू हमें पता है, तो लिख लेंगे 2+(3n-) क्या हो जाएगा 3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n-1 होगा, ये मुझे मिला टीएन, टीएन मिला सबसे पहले यही काम करने का, अगर इस फॉर्म में है और 1 से लेके देखो गैपिंग है, एक सीरीज में रहता है तो हमने एक देख लिया, लेकिन गैपिंग है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें टीएन फाइंड आउट करने का, और टीएन मतलब अभी एसएन तक मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कैसे है समेसन मैं क्या कर लूंगा टीएन कर लूंगा, और टीएन क्या है ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको स्क्वायर में डाल दूंगा, कहां से है एन इक्वल टू से लेके वो जो भी है लॉजिक अभी देख लेते हैं, अभी आइडिया मिल जाएगा क्या है स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है ठीक है तो क्या कर लेंगे हम स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर फॉर्म में कर लिए, अभी स्क्वायर फॉर्म में कर लिए तो टी एन की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ 3n-1² और 3n-का होल स्क्वायर है तो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको
इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, 9n² फिर प्लस 3 2 2 3 6 n आ जाएगा, और माइनस सॉरी माइनस में आएगा ये -6n और +1 का स्क्वायर 1, ये आएगा, ये आया आपके पास। इनको सभी को क्या कर देंगे हम, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर दिया मतलब 9n² हो गया, ठीक है, 9 आपका एन स्क्वायर हो गया, फिर बाद -6n हो गया और फिर +summation 1 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल गया, इस तरीके से क्वेश्चन मिल गए। और आपको यहाँ पे आपने ऊपर जो देखा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन में है लास्ट क्या है, एन क्या है 29 है, एन क्या है 29, तो 29 यहाँ पे वैल्यू अगर देखिए अभी ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, 9n² है तो क्या होता है स्क्वायर है, तो n n+1 2n+1 / 6 हो गए, ठीक है, ये मिला -6। अगर सिर्फ n होता है तो उसके लिए क्या है n n+1 / 2 होता है, और ये 1 अगर है सिर्फ है तो 1 क्या होता है n सिर्फ होता है, ये ध्यान रखने का, अगर 1 है तो n हो जाता है, ये ध्यान रखना इस तरीके का। अब देखिए n के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, अभी n की वैल्यू 29 आ रहा है जो लास्ट है वही रख देना है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे 29, तो 9 × 29 ये हुआ, फिर 29 + 1 हुआ, फिर 2 × 29 + 1 / 6 कर देंगे, यहाँ पे -6 × 29 यहाँ 29 + 1 / 2 + 29। अब इन्हीं को सॉल्व कर देंगे, ये पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी दे रहे हैं, जितने भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो आइडिया कैसे मिलेगा, तो वो चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है वो लॉजिक हमने देखना है, कि ताकि हमें वो आइडिया मिल सके, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों ने सॉल्व करना है और कमेंट करके उसके आंसर को बताना है, ठीक है। जैसे दे दिया 2 raised to power q + 5 s = दे रहा हूँ, ये 2 है रेस्ट टू पावर क्यू, 5 raised to power q + 8 raised to power q + ……20 raised to power q है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्यूब है तो क्यूब लगा देना, सिंपल सा है। फिर एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, s = 1² + 5² + 9² + 13² + 25², ठीक है। और भी क्वेश्चंस अगर लेने हैं तो और भी क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, आप लोगों ने ट्राई करना है, आप ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए इनके इनके बीच में एक चीज, आप सबसे पहले अपना काम होगा कि फर्स्ट आपका जो काम होगा वो अपने TN फाइंड आउट करना है, इसका ये स्क्वायर को भूल जाइए, ये जो वैल्यू दिया उसका TN फाइंड आउट करिए। TN जो मिलता है तो s = summation TN, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, जो भी TN की वैल्यू आई होगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो TN पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, नहीं सिर्फ TN ही है सिर्फ वैल्यू है तो वो वैल्यू लगा के सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको ये दो क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन ट्राई करिए, 6, 7 दिए हैं, तो आपने कोशिश करना है, ट्राई करना है कि ताकि आपके इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन हैं, वो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ट्राई करते रहिए, आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, ठीक है, करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, कि ताकि RRB हो चाहे SSC JEE से अगर मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। मैथमेटिक्स से जितने भी मेरे पास क्वेश्चन मिल रहे हैं वो हम करेंगे, आगे जब ये सब क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर उसके बाद से साइंस जनरल साइंस है वो भी स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, कि ताकि रीजनिंग के भी जितने क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व हो सकें, फिर बाद में उसके पेपर प्रैक्टिस भी करेंगे, कैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी ने देखते रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।